दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज दिखाएंगे आपको प्रीमियम विंडो जो कि हैवी गेज में बनी हुई हैं और केसमेंट विंडो हैं, जिंदल मटेरियल में इसका यूज़ किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये तीन चार विंडो हमने बनाई हैं जो कि केसमेंट विंडो हैं, और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं फिक्स गिलास रहेगा और नीचे दो पल्ले का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फिक्सिंग की जा रही है अभी गिलास की, बाद में इस गिलास डालने के बाद इसमें रबड़ लगाई जाएगी जो कि रबड़ EPDM होगी और 5 mm गिलास में लगाई जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी गिलास लगाए जा रहे हैं ये प्योर 5 mm गिलास हैं। हालांकि सब लोग क्या करते हैं कि 4 mm का गिलास यूज़ करते हैं, मगर मेरा मानना यह है कि आप हमेशा 5 mm का गिलास इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बेटर होता है। और सेक्शंस के नाम मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये हमारा 63 mm बाई 38 mm का सेक्शन जो कि आउटर के लिए हमने बनाया है, और यहाँ पर देख सकते हैं विंडो कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसमें सिर्फ रबड़ लगाना बाकी रह गया। जैसा कि मैंने बताया 63 mm बाई 38 mm का यहाँ पर हमने सेक्शन यूज़ किया है, और जो कि पल्ले हमने बनाए हैं डबल जोड़ी के ये विंडो हमने बनाई हैं, और ये 19-38 mm का सेक्शन इसमें इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटी केसमेंट विंडो और है जो कि टॉयलेट और बाथरूम वगैरह में यूज़ की जाती है। हमेशा याद रखिए जहाँ पर ज़्यादातर फ्रॉस्टेड ग्लास का इस्तेमाल किया होता है जिस विंडो में भी, वो लगभग 90% वो विंडो टॉयलेट और बाथरूम में इस्तेमाल की जाती हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ग्लास डालने के बाद इसको वापस से इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि इसको कसा जा रहा है, इसमें बाद में रबड़ डाल देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दो केसमेंट विंडो है जिनका साइज़ मैं बता देता हूँ आपको, ये 3.5x4 की विंडो हैं और जो कि केसमेंट टाइप विंडो, प्लेन ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। रबड़ यहाँ पर डल चुकी है, ऊपर फिक्स ग्लास रहेगा दोनों विंडो में। साइड से थोड़ा सा मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, तो लुक वाइज काफ़ी अच्छी विंडो बनी हुई है। अगर आपको ये विंडो पसंद आ रही है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा विंडो आपको कैसी लग रही है। फिनिशिंग भी काफ़ी बेटर है इन विंडो की, क्योंकि जिंदल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। सत्या मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जिंदल मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दो टावर बोल्ट्स का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जोड़ी है, तो ऊपर नीचे दोनों का इस्तेमाल किया गया है, और बीच में दो हैंडल्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 D-handle इसमें लगाए गए हैं, और कब्जे की अगर बात करें तो 3 इंची के यानी कि 75 mm के कब्जे इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ये छोटी केसमेंट विंडो है जिसमें फ्रॉस्टेड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, 5 mm ग्लास का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों अगर इनकी कॉस्ट की बात करें, जैसा कि मैंने अभी बड़ी विंडो की बात की थी आपसे कि 3.5x4 की जो विंडो थी, 3.5x4 या 3.5x5 की जो विंडो हमने बनाई है, तो इनकी जो कॉस्ट की अगर बात करें तो लगभग 350 से 400 रुपये स्क्वायर फीट में केसमेंट विंडो बनाई जाती है। टॉप और हैवी गेज में मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तीनों विंडो को एक साथ रख दिया है, और लुक वाइज ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ये विंडो लग रही हैं, लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।